बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड कहा जाता था वहां से आप लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़े थे, काफी कम मार्जिन था, इस बार क्या प्लानिंग है विक्ट्री के लिए? आज सारा स्ट्रांग होल्ड नरेंद्र मोदी जी का स्ट्रांग होल्ड है। और क्यों है? आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण योजनाओं का एक बहार लगाया है, गरीबों तक योजनाएं पहुंचाई है, किसी को घर दिया है, किसी को शौचालय दिया है, किसी को गैस दिया है तो किसी को पानी दिया है, हर किसी के लिए उन्होंने चिंता की है। और इसलिए ये जो आप बयार देख रहे हैं, ये जो वेव देख रहे हैं, और आज जो बड़े बड़े विपक्षी पार्टियों के महल उनके ध्वस्त हो रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के कामों के लिए हो रहा है। सर, तीन बार के इनकम्बेंट एमपी को इस बार चेंज करके नए किसी व्यक्ति को दिया गया है, क्योंकि कैसे देखते हैं ये उनको इनकम्बेंसी बहुत हाई फील डरे हुए हैं? देखिए, ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मेरा काम है कर्म करना, फल भगवान देंगे। 5 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, और मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। 5 वर्षों में जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, और इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, सातोपड़ा में यूजुअली जो वेसल्स है फंस जाते हैं, बोट फंस जाते हैं, काफी रेस्क्यू करना पड़ता है, वहाँ भी आप लोगों की प्लानिंग है कुछ ब्रिज बनाने का? वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है, नितिन गडकरी जी ने ऐलान किया है कि सातपड़ा से जनीकुदा तक ब्रिज बनेगा, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक ब्रिज होगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और आज नितिन जी भी वहां आ रहे हैं। सर, प्रॉब्लम सर ये प्रॉब्लम जो है सब पुराना है, तो आज तक क्यों रिजॉल्व नहीं हो पाए 25 साल से गवर्नमेंट में? मानसिकता नहीं थी, इंटेंशन नहीं था, हम हारते हुए भी हमने इस विषय को आगे बढ़ाया, और इस कारण आज लोगों का समर्थन और प्यार हमारे लिए। मोदी जी ने कहा सर 4 जून एक्सपायरी है बीजेपी गवर्नमेंट। जो मोदी जी कहते हैं सोच समझकर सत्य कहते हैं अवश्य होगा।